फाइनली हमनी के जनकपुर पहुंच गए बनी सन। बाहर से देखते हैं सन जनकपुर महल, देखी जनकपुर महल बाहर से कैसन दिखता। जनकपुर महल जौन सीता जी के महल है, तब हमनी के सीता जी के महल के बाहर खड़ा बनी सन। बाहर से देखते हैं सन, बाहर से देखी कितना सुंदर कितना अद्भुत बा। देखला के बाद तो इतना खूबसूरत लगता है, बुझाता आदमी जन्नत में आ गए बा। तो भैया के हमनी के पहले बाहर से पूरा प्रॉपर तरीका से झकास देख लिया, ओकरा बाद अंदर चल जाइए। तो बाहर से पूरा जबरदस्त देखी तो कितना सुंदर भाई। अब महल के अंदर चले के देखा जाओ महल के अंदर का बा। फर्स्ट गेट एंट्री कैला के बाद अब अंदर अनी सन। अब देखिए अंदर अला पर फिर एक छोटा सा भी महल कितना सुंदर दिखता, हमनी के बुझाते एक अंदर भी और चले के बाद। अभी हमनी के अंदर जाते हैं सन। फाइनली हमनी के महल के अंदर आ गए बनी सन। सब भक्त लोग के दर्शन करे खातिर, माता के पूजा करे खातिर, अर्चना करे खातिर लाइन लागल बा। चले के हमनियों के लाइन लगा के माता के दर्शन करे के पूजा करे के। ये बा माता जानकी के मंदिर, माता जानकी के प्रतिमा, यहाँ पूजा होता। म्यूजियम हो, एजा टिकट कटावल जला तो सीता माता के जितना पुस्तैनी सामान बा, एजा कपड़ा बहुत सारा सामान अंदर चल जाए देखल जाए। एजा टिकट कटावल जाए, 10 रुपये टिकट कटावे में लागता। म्यूजियम में जाए के रास्ता बड़ी कठिनाई बा, ऊपर चढ़े के बाद बुझाता। सब अपना हाथ से इलेक्ट्रिक और आधुनिक प्रतिमा बनावल बा मनोरंजन खातिर। बहुत ही अद्भुत सुंदर कलाकारी बा, बहुत ही अच्छा लागता देख के। सब माता जानकी के रूप दर्शावल गई बा, ये कब केंग भइल का भइल। देखनी सन अंदर तो म्यूजियम के नाम पर अंदर अनिये सन, तो बस पुराना नहीं खे बस नया कुछ डिजाइनदार अपना हाथ से प्रतिमा बनावल बा। ओमे इलेक्ट्रिक से कुछ डिजाइन कल बा, जैसे मतलब आधुनिक के जितना भी घटना घट रहे ओकरा के कठपुतली टाइप में बना के ओकरे के रखल बा। चलता जो हमनी के देखनी सन म्यूजियम में उहे बा। हमनी के तो बाहर अनिये सन तो लागल म्यूजियम मने सीता जी के पुराना कुछ हो उहे देखल जाए, लेकिन अंदर अइला से कुछ ना रहल ठीक बा। तो जौन रहल तो हमनी के देख लेनी सन अंदर में म्यूजियम में कुछ खास नहीं है। बाकी चलिए आगे देखल जाता है, साइड से देखिए ऊपर आई बनी सन। ऊपर से हइए बा पूरा जनकपुर धाम, आ जनकपुर धाम के हमनी के दर्शन करे के आ माता सीता के प्रणाम करे के। यही धरती पर माता सीता के जन्म भइल रहे, जनक जी हल चलैनी तो माता सीता वहाँ के मिलनी, उहे सब बनावल रहल देखनी सन। तो इहे जनकपुर धर्म है जहाँ माता सीता जन्म ले बनी। अभी हमनी के माता सीता के जन्म धरती देखे के आवे के हमें अब हेना देखल जाई। ऊपर से माहौल दिखता बड़ा सुंदर लगल बा, अद्भुत बा, बहुत खूबसूरत नजारा बा। हमनी के देखते हैं सन ऊपर से उतरनी सन पूछनी सन इतने बका तो कल एगो है गली में जाए के। अब देखी ये गली में जाते हैं सन तो हाँ प्राचीन तो बाय में कुछ है दे हमनी के बुझाइल कुछ नहीं खे, लेकिन बा पुराना कुछ आभूषण मुकुट ये सब रखल बा हीरा मोती। आगे अब देखल जला का बा। प्राचीन सब कपड़ा बा, ये सब बात है।
रहनी है सर, तो नीचे देख लीजिए सर, हमने के पता रहे पुराना कुछ नहीं है, तो पुराना हमने के देखनी है सर, माता सीता के कुछ कपड़ा जो बचपन के छोटा छोटा और छोटा मोटा कुछ जेवरा हीरा मोती हुए सब धर रहा था हमने का, बहुत अच्छा से देखनी है सर। तो अभी जितना भी देखनी सर जनकपुर में यह बात जो जनकपुर हमने के नेपाल में स्थित बा, आवे का रास्ता भी हमें बताए। अभी हम क्या कर रहे सर माता सीता के मड़वा में, यही जब माता सीता के और राम जी के लक्ष्मण जी के भरत जी के शत्रुघ्न जी के सब मड़वा। अभी हमने के चलते हैं सर माता सीता के मड़वा में, यही जब माता सीता के प्रभु श्री राम के शादी भई रहे, जौन हमने के अबरा देखल जाई बहुत ही खूबसूरत बाहर से लौकता। यही जे देखिए प्रभु श्री राम के शादी भइल बा, अंदर निकल जाके बारे से सब देखे बा। आई अब मड़वा बाहर से भी पूरा घूम के देख लिया कैसन बा। जितना घूमी सर जनकपुर में ये बात महल देखनी सर, म्यूजियम देखनी सर, अभी माड़ो देखनी सर, बहुत ही अच्छा लागल। अगर रघु अच्छा लगे तो जनकपुर धर्म आई और माता सीता के जन्म धरती देखी। चलिए जय श्री राम। आने आवे खातिर सब जनकपुर आवे खातिर सबसे आसान रास्ता बा भीटा मोड़ आई, सीतामढ़ी से भीटा मोड़, भीटा मोड़ से बस बा डायरेक्ट जनकपुर के, आराम से आई घूमी एंजॉय करी मस्ती करी। जय श्री राम।